चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि फास्ट मनी शो में जो कॉल्स आपको बताई गई थी वो कौन सी है। क्विक रिकैप का रुख कर लेते हैं। मेरी तरफ से 10 शेयर खरीदारी के बताएंगे, केन इंडिया, गोल ऑफशोर और अवन ऑफशोर में खरीदारी करके चलिए। कच्चे तेल में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, 2016 के ऊपरी स्तर पे है। पिछले 4-5 दिनों में देखिए तो 10% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। इन तमाम शेयरों में कहने के एक मजबूती देखने को मिल सकती है। जोसिल को बतौर मैंने ईपीएस से उतारा है, एक मजबूत डिलीवरी बेस्ड बैंक देखने को मिले, 90% से ज्यादा की डिलीवरी बेस्ड बैंक देखने को मिले। एचयूएल, आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियां, जॉनसन जॉनसन जैसी बड़ी कंपनियां कंपनी इसके क्लाइंट है। 220 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह आज के ट्रेड में। ओएनजीसी में भी मजबूती देखने को मिल सकती है, 215 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर में खरीदारी कीजिए, कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर आई है, आज असर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, 450 रुपए का लक्ष्य होगा। सिलान में खरीदारी करने की सलाह होगी, 189 रुपए का लक्ष्य होगा। मेटल माइनिंग में वेदांता के लिए मुझे पसंद है, 92 रुपए का टारगेट होगा। जबकि कावेरी सीड ने अपना तेलंगाना में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका फायदा होता प्लांट शुरू किया है, उसका असर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। एग्री शेयरों में देखें तो इसने अभी तक बहुत ज्यादा रैली नहीं दिखाई है, 386 रुपए का लक्ष्य होगा। और एटलस साइकिल को मैंने बतौर सुपरहिट से उतारा है, कई सारे पॉजिटिव टिकट बताए हैं, 220 रुपए का लक्ष्य होगा। मैंने भी आपको 10 के 10 ट्रेड खरीदारी के बताएं आज के लिए। शुरुआत विप्रो के साथ करी है, सोमवार को इसकी बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है, उसका फायदा आज पॉसिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। पीसी ज्वेलर कल भी तेजी थी, आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है, 371 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। ऑयल एंड गैस शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है, एचओएसी में खरीदारी करें, ऑयल कंट्री ट्यूबल, इन दोनों काउंटर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। नॉसिल जो कि रबर केमिकल बनाती है, इसके नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं, सेंडी स्पेशल यहां पर भी बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ सकता है, 60 रुपये का टारगेट लेकर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस से ही डॉल्फिन ऑफशोर एक और ऐसी कंपनी जिसमें अभी तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आज इसमें तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। दो कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनीज मधुकोन प्रोजेक्ट्स और साथ ही साथ एनसीसी, मधुकोन को लेकर तो अच्छी खबर है, जहां पे इन्होंने हिस्सा बेचा अपने प्रोजेक्ट में, उसका फायदा देखने को मिलेगा। एनसीसी तेलंगाना में काफी बड़ा एक्सपोजर है, वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और सीमेंट डिमांड में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन अभी तक स्टॉक में नहीं आया है। फ्यूचर लाइफस्टाइल, इन्होंने अपना एक्सपेंशन प्लान काफी तेज किया है, उसका पॉजिटिव साइड पर रिफ्लेक्शन आज देखने को मिलेगा। और बतौर सुपरहिट मैंने पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज को उतारा है, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं, वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव, और जिस तरह के कदम उठाए गए सरकार की ओर से उसका आने वाले समय में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। 44 का टारगेट लेके आज के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो आपने ये फास्ट मनी की 20 कॉल्स जो आज सुबह 7:30 पे इस खास कार्यक्रम में शामिल की गई थी वो देखिए।